मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी हाँ, जब तक आप हार नहीं मानेंगे दुनिया में आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। जय श्री महाकाल। मैं आपका मित्र ज्योतिष आचार्य पंडित रोहित तिवारी एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हो चुका हूं सिंह राशि वाले जातकों के लिए जून महीने का पूरा राशिफल लेकर। क्या कुछ ग्रह का योग है और क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। यहां बात होगी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ और बिजनेस जॉब करियर के विषय में। क्या कुछ होने वाला है और क्या आपके जीवन में घटनाएं घटित होंगी, पूरी भविष्यवाणी तैयार करके लेकर आया हूं। तो आराम से बैठ जाइए, वीडियो को आखिरी तक देखिए और जान लीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स होंगी और किस प्रकार आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। सिंह राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ के विषय में। पांचवें घर के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, भाग्य के घर में विराजमान है। जब भावात भावम का सिद्धांत लगाएंगे तो पंचम से पंचम अर्थात प्रेम के घर में विराजमान है। गुरु चांडाल योग बन रहा है, प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जून के महीने में होंगी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। एक तारीख से ही जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लव लाइफ में चालू होने वाली है वो महीने के आखिरी तक खत्म नहीं होंगी, क्योंकि ये योग ठीक नहीं है। आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर आपसे झूठ बोल सकते हैं, कुछ सीक्रेट आपको नहीं बताएंगे, आपसे छुपा सकते हैं। और जब वो आपके सामने होंगी, जब बातें आपके सामने आएंगी या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा अफेयर की जानकारी जब आपको अपने पार्टनर की लगेगी, तब तो फिर इस रिश्ते में क्या कुछ अच्छा बचेगा ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, अपनी आंखों पर विश्वास करें, अपने कानों पर नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो सुनते हैं वो सच नहीं होता है, या कई बार जो देखते हैं वो भी सच नहीं होता है। जब तक आप के पास कोई प्रमाण ना हो, पूरी बात की जानकारी ना हो, तब तक आरोप ना लगाएं, कोई बात उनसे पूछें ना, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती इस रिश्ते को बर्बादी की तरफ भी ले जा सकती है। वैवाहिक जीवन के मामले में मैरिड लाइफ, शनिदेव खुद के घर में विराजमान है, साथ ही साथ छठवें घर के भी स्वामी हैं शनिदेव, इस बात को ध्यान में रखना है। छठवां घर रोग ऋण और शत्रु का है, पार्टनर की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स होंगी। अब हेल्थ खराब होगी तो उनका नेचर थोड़ा सा आपके प्रति चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपको उनकी केयर करने की जरूरत है। हेल्थ में जो प्रॉब्लम है, सही समय पर सही डिसीजन लेकर सही डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि ये समय आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं व्यावहारिक रूप से आपकी अपनी इच्छाएं जब आपके पार्टनर के साथ पूरी नहीं होंगी तो फिर रिलेशन में कलह, लड़ाई, झगड़े संभव हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी इच्छाएं पूरी ही हों, हमें अपने पार्टनर की हेल्थ को नजर में रखकर ही सारी चीजों पर फोकस करना चाहिए। धन के मामले में आपके दूसरे घर के स्वामी हैं बुध, जो सूर्य के साथ दसवें घर में विराजमान है, बुधादित्य योग बना हुआ है, बहुत अच्छा है। व्यापारिक मामले में धन का लाभ बहुत अच्छा होगा, धन बहुत अच्छा कमाने वाले हैं, विशेषकर जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या वो लोग जो अकाउंट से रिलेटेड फील्ड में कार्य कर रहे हैं, धन के मामले में योग बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार के मामले में स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार में वृद्धि होगी, कोई नया व्यापार से संबंधित समझौता आप कर सकते हैं, व्यापार में कुछ बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। अगर पिछले महीने तक व्यापार में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है तो इस महीने आपको ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कोई बिजनेस प्रारंभ करने का विचार अगर दिमाग में है तो जून के महीने में उस पर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस प्रारंभ हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उन्हें भी अपनी जॉब में फायदा होगा, अपने अधिकारियों से नया काम मिलेगा, तय समय पर अपना काम पूरा करके दिखाएंगे। जो चुनौतियां जीवन में आपकी वर्किंग फील्ड में जॉब में हैं आपको
वो सारे काम आप तय समय पर जब पूरा कर देंगे तो तारीफ आपकी ही होगी। कहीं ना कहीं लोग, आपके अधिकारी, आपके ऑफिस के व्यक्ति आपको अच्छा कहेंगे और आपके कार्य करने की जो क्षमता है उसकी सराहना करेंगे। तो योग सिंह राशि वाले जातकों, आपके लिए इस महीने बहुत अच्छे हैं। व्यापार के मामले में हो, चाहे बिजनेस के मामले में हो, जॉब के मामले में हो, हर एक फील्ड में आपके लिए योग अच्छा ही है। हेल्थ के मामले में शनिदेव छठवें घर के स्वामी होकर सातवें घर में बैठे हुए हैं। अब पार्टनर की हेल्थ से तो थोड़ा सा परेशान आप चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। यूरिनरी इंफेक्शन, भुगतान से संबंधित कोई रोग, पैरों में चोट लग सकती है, व्हीकल चलाते समय लापरवाही करना दुर्घटना का बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि राहु और गुरु गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हुए हैं। वाहन से संबंधित सावधानी बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी मंगल भी नीच राशि के बैठे हुए हैं, तो ये योग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हेल्थ के मामले में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। ये रहा सिंह राशि वाले जातकों आपका पूरा राशिफल जो मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगले महीने भी ऐसा ही राशिफल आपको यहां पर मिलेगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।